और यू कैसे हैं आप सब? सिलानी ठीक ठाक है? आज संडे है, मगर सर्दी भी काफी है, तो चलो आज हम जाते हैं मछली लेने। मछली मंडी जाके मछली लेते हैं, कुछ फ्राई वाली मछली होगी, कुछ खाने पकाने के लिए मछली होगी। तो हम लोग अब जा रहे हैं मछली लेने। मछली लेकर आएंगे घर पे और फिर सर्दी को एंजॉय करने के हिसाब से मछली बनाएंगे चीज़ें। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह मछली मंडी जाते हैं। बाय। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करना सब दोस्तों के साथ। बाय बाय। ये मछली हमने ली जनाब, ये शॉप नई शॉप, शॉप का नाम क्या भाई? गुलाम सरवर शॉप। गुलाम सरवर शॉप वाले हैं भाई ये, इनसे मछली ले आगे। मछली फ्रेश भी है, अच्छी भी है और ख़त्म भी नहीं होती है ना। ये हमने मछली ले ली है, अब हम ये मछली बनवा रहे हैं। आधी मछली बनेगी ये फ्राई वाली और आधी बनेगी ये सालन के लिए। भाई मछली तो अच्छी बनाना है, बर्फी जैसे पीस बनाना इसके, ठीक है? खाने का मज़ा है और ख़त्म ना हो। ये भाई मछली बना रहे हैं, बड़े गुस्से में बैठ के, मूड ऑफ है इनका। ये मछली हमारी तैयार हो गई है, अब ये सिरा तैयार कर रहे हैं मछली का। इसकी यखनी बहुत अच्छी होती है सर्दियों में बच्चों के लिए। और ये मछली देखते हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी ये। अब इस मछली को मसाला लगाएंगे। ये आधी मछली हमारी फ्राई की है, आधी मछली हमारी सालन के लिए। मसाला लगा के रखेंगे ये और शाम को इंशाल्लाह ये सारी मछली अब हांडी के अंदर होगी। ये देखें बड़ी अच्छी से सफाई की इन्होंने मछली की। अब ये मसाला लगाएंगे, मसाला लगा के हम रखेंगे घंटा आधा रखेंगे जैसे, ताकि इससे मछली की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मछली का टेस्ट भी अच्छा है। याद रखिए इस मछली को जब पकाना अपने पकाने में मछली में नमक नहीं डालना, क्योंकि इसमें माशाल्लाह अपनी अच्छी निकाल होती है मछली के अंदर, ये नमक की जरूरत नहीं पड़ती। ये मछली तैयार होगी हमारी फ्राई वाली, पैक हो गई है। अब ये मछली हमारी जा रही है सालन वाली। ये मसाला इनका स्पेशल मसाला होता है जो ये मछली में डालते हैं, जिससे मछली की स्मेल भी ख़त्म होती है और मछली में जायका भी अच्छा आता है। ये था और ये खगा है, ये मली है, ये सोल है। ये सोल है, ये फ्रेश है, ये बड़ी येलो येलो लग रही है। येलो क्यों लग रही है? कांटे के बगैर होती है, कि कलर ही ऐसा है। अच्छा अच्छा। और ये बड़ा पीस जो पड़ रहा है कलर हो गया, कलर हो गया लाहौर में सारे कलर हो गए चढ़ रहा है ना, यही फ्राई सारे कलर हो गए। और ये कौन सी? ये भी छोटा है, ये भी कलर हो गया, ये भी कलर हो गया। ये खगा है, ये सोल है, मली है, ये बगैर कांटे की है। ये सालन के लिए होती है? ये बड़ी मछली फ्राई के लिए होती है। ये मली है, ये बोनलेस होती है, ये सोल है, ये बोनलेस है। ये चलो जी सब देखो जी, यूनिटी स्टोर की शॉपर दुकान पे तो मिलते नहीं हमारे पास, लेकिन यहाँ मछली दुकान पे ये यूनिटी स्टोर के शॉपर यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी कि ये वहाँ से सेल होते हैं, खरीदते हैं लोग उसको और बेचते हैं। यूनिटी स्टोर को भी चाहिए कि अपने दुकान में रहिए और ये जो काम कर रहे हैं ये आराम से ये छोड़ दें। ये बेकारती होती है, कस्टमर चार बजे जाकर घूमता है तो बड़ा खराब होता है। ये चक्कर है यूनिटी स्टोर के शॉपर है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मछली लेकर आया हूँ।
ठीक है, ये सारी जो फ्राई की है पूरा सड़न डालने के लिए, लेकिन ये भी नहीं बनाना, इसको कम से कम एक घंटा रखना, इसको नमक में भीग जाए, ठीक है, धोना इसको शाम तक इसको बनाना है, ठीक है, ठीक हो गया, सही, फ्रिज में रख दूं अभी, ये जब तक उसमें रख दूं काल के कुछ ऑफर से पास में स्मेल आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी बात ये कि अपना सूजी पकाना है, इसमें नमक नहीं डालना, ठीक है, मना किया, ठीक है, ठीक है, ये है अपना काला रोहू मछली है और ये बड़ी मछली है, इसका मोटा काटा है इसका, और दूसरी बात ये कि अपना ये दो घंटे मछली को मसाला लगी हुई मछली को मैंने फ्रिज से निकाला और अब ये धो के रखा था, तो अब स्मेल तो वैसे इसमें से कोई भी नहीं आ रही थी, चला साफ सुथरे पीसेस थे ये, तो अब ये पकने के लिए रेडी है। तो अम्मी ये जो रखी है ये वाली निकाल के आपने, ये जो है ये फ्राई करने वाली है ना, अच्छा ये फ्राई करनी है, हाँ जी, तो ये बाद में कर लेंगे, धोकर रख दूंगी इसको, अच्छा तो इसको रख देंगे, इसको फ्राई बाद में कर लेंगे, दो दिन में कर लेंगे, तो ये सालन वाली है, तो ये हमें बहुत रहेगी, बहुत है ये, इसी को तो धो रही थी मैं, मैंने कहा ये बहुत है, अच्छा ठीक है ना, सही, और बच्चे शौक से खाते हैं, तो इसको मसाला लगा कर रखूं ये वाली, तो या ऐसी रख दूं, वो कर ऐसी रख देंगे, बाद में मसाला लगा लेंगे, बाद में लगा लेंगे, अच्छा ठीक है ना, कहती हैं तो फिर आज ही कर लेते हैं फ्राई या नहीं, देख लेते हैं, अभी तो मैं ये इसको धोकर रखती हूँ, इसमें इसको मसाला लगा कर रखेंगे, इसको मसाला लगा के रखेंगे, दही वगैरह देख लेंगे बाद में, दही वगैरह लगा के सारे मसाले लगा के रख के, तो इसका सालन बन जाएगा, चलें ठीक है, ठीक है, सही सही, ये रेडी करें पहले, ठीक हो गया, उसके बाद फिर दूसरी करते हैं, सही ठीक है, लाइट बहुत जा रही है आज तो, भी बहुत जा रही है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो गई गैस की भी लाइट की भी, ऐसे ही है कुछ नहीं हाल भाई, यहाँ यहाँ क्या हर जगह ही नहीं है, पहले हम कहते थे लाहौर में जो है लाइट नहीं जाती, तो अब मैं अपने मैके वालों को कहती थी कि यहाँ लाइट नहीं जाती है, तो अब ये है कि अब उन्हें भी बताना पड़ता है कि यहाँ भी लाइट जाती है और गैस भी नहीं है, यहाँ भी वही हाल हो गया है, वही हाल है कि बस कोई हाल नहीं है, हाँ वही हाल है कि कोई हाल नहीं है भाई, है मछली को मसाला लगा के रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी अच्छी तरह से मेरीनेशन हो जाए, दही डाल दिया और ये मछली मसाला डाला है, साबुत धनिया थोड़ा सा और इसी मिर्च, हमारे घर में इतनी तेज मिर्चें कोई भी नहीं खाता, तो इसलिए मिर्चों पे तो थोड़ा हल्का ही मैंने हाथ रखा, एक चम्मच ही डाला और हरा मसाला इसमें थोड़ा सा डलेगा जो पीस के मैंने रख दिया था, बस ये मसाले जो मतलब अमूमन सब के घरों में होते हैं मौजूद वही डले हैं, कोई ख़ास नहीं डला है, और बस अच्छा सा बनेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, मछली को मसाला लगा कर रखे हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है और ये प्याज काटा है, इधर आटा निकाला है, साथ आटा भी गूंदूंगी और यहाँ करूँगी प्याज ब्राउन, प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसको फिर ग्राइंडर में मैंने करना है ग्राइंड, और उसके बाद बस मछली हमारी हो जाएगी तैयार और फिर खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ आटा भी रखा है, बस अब मैं आटा गूंदूंगी और साथ साथ मछली को बिल्कुल तैयार करके पा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फिश का सालन तैयार हो चुका है और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही थी, दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो आपका नहीं पता, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और सिर्फ अब इंतज़ार हो रहा है अयान के बाबा का, वो आए और बस हम खाना खाएंगे, फिर आ गए हैं हमारे मियाँ साहब, वो ठंडे लाइट तो है नहीं, अंधेरे में डूबो को और है ना, और ठंड बहुत ज्यादा है, अच्छा खाना लगा दूं, खाना लगाओ क्या बना जनाब, खाने में खा आ जाएं देख लें, मूंग की दाल बनी हुई है मछली, हाँ। मौसम के हिसाब से बिल्कुल मैचिंग खाना बना हुआ, आज मछली बनी हुई है, बताइएगा मुझे कैसा बना, ठंड से बुरा हाल है, तो खाना देते हैं, मूवी भी बाद में बनाना, ओके अल्लाह हाफिज़, चल मैं।